नौकर नहीं मालिक बनो। दूसरों की कंपनी में बड़ा नौकर बनने से कई बेहतर है कि स्वयं मालिक बनो। सच्ची कहानी। मनोज नाम का एक व्यक्ति जो बहुत ही गरीब था, अचानक से उसके पिता की मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के बाद यह जवान लड़का अपनी और अपनी बूढ़ी माँ की आर्थिक सहायता के लिए कुछ कमाने के लिए लखनऊ से मुंबई शहर में आ गया और किसी छोटी प्राइवेट कंपनी में काम करने लगा। मनोज अपने काम के प्रति बहुत ही ईमानदार था, खूब मेहनत करता था और थोड़ा पैसा कमा कर अपनी माँ के लिए दाल रोटी का इंतजाम करता था। लेकिन कुछ समय पहले जब पूरी दुनिया में कोरोना महामारी का प्रकोप हुआ तो उस समय मनोज के काम में भी बहुत ज़्यादा समस्या हो गई। उसकी कंपनी के मालिक ने मनोज को जॉब से निकालने के लिए उस पर बहुत से दबाव डाले, लेकिन मनोज सारे दबाव सहते हुए भी उसी कंपनी में काम करता रहा। मालिक ने देखा यह इसकी मजबूरी है तो इस मजबूरी को देखकर मनोज को और परेशान करने लगा और उसे गाली गलौज देकर और अपशब्द कहकर भी बुलाने लगा। लेकिन मनोज तब भी चुपचाप काम करता रहा। मनोज अपने घर की गरीबी हालात के कारण पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाया, इसलिए वह सोचता था यदि मैं यह काम छोड़ दूंगा तो मुझे कौन नौकरी देगा। मनोज की हालत दिन ब दिन खराब हो रही थी। कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा। फिर मालिक ने मनोज का फ़ायदा उठाते हुए कहा, मनोज तुम्हें आधी तनख्वाह में काम करना पड़ेगा, यदि तुम करना चाहते हो तो करो वरना इधर से जा सकते हो। कंपनी का मालिक अच्छी तरह से जानता था कि मनोज यह काम किसी भी कीमत में नहीं छोड़ेगा, क्योंकि मनोज अनपढ़ है और पैरों से अपाहिज भी है। मनोज ने मालिक से बहुत मिन्नत की ऐसा ना करें, लेकिन मालिक मनोज की एक भी नहीं सुनना चाहता था। उसने कहा, देखो कोरोना के कारण हमारा माल बिक नहीं रहा है, इसलिए हम आपको पूरी तनख्वाह नहीं दे सकते और हाँ अब से तुम्हें एक भी दिन छुट्टी नहीं मिलेगी, रविवार को भी तुम्हें काम पर आना होगा। मनोज को लगा जैसे उसकी दुनिया ही उजड़ गई है। अब कैसे अपनी माँ का ध्यान रख पाऊँगा, कैसे मेरे घर का किराया दे पाऊँगा। इन्हीं सारे सवालों के साथ एक दिन वह उसके दोस्त रवि से मिला। रवि पैसे से एक व्यापारी भी रहा है। मैंने उससे कहा, देखो मनोज ये तो होना ही था, जिस कंपनी में तुम नौकरी कर रहे थे तुम पूरी ज़िंदगी भी काम करते तो तुम कभी उस कंपनी के मालिक नहीं बन सकते, इसलिए तुम्हें निराश नहीं होना चाहिए। तुम आँख उठाकर देखो, बहुत से दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हुए हैं। उसने कहा, रवि मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तब मैंने कहा, क्या तुम पैसे गिनना जानते हो। उसने मुस्कुराकर कहा, हाँ। मैंने कहा, फिर तो तुम बहुत कुछ जानते हो, तुम अपना काम शुरू करो, तुम जो करना चाहते हो उस काम की छोटी सी शुरुआत करो। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। हमारे बातें करते समय बाहर एक फल वाले व्यक्ति ने आवाज़ लगाई, आम ले लो, केले ले लो। मैंने कहा, देखो वो व्यक्ति आम बेच रहा है, वह उस चलती फिरती दुकान का स्वयं मालिक है, उसे कोई गाली नहीं दे सकता, उसे किसी की नौकरी नहीं करना पड़ता, जब चाहे तब वह छुट्टी कर सकता है। मनोज की आंखों में तो जैसे रोशनी आ गई। उसी दिन उसने एक तराजू खरीदा और दूसरे ही दिन बिल्कुल सुबह उठकर वह शहर के फल वाले मंडी पहुँचा और बहुत सारे फलों को थोक के भाव से खरीदा और बेचने चल दिया। और कुछ ही घंटों में उसने सारा माल बेच दिया, क्योंकि मनोज ने ज़्यादा महंगा ना बेचकर थोड़ा ही पैसा कमाया। लेकिन अब उसकी झिझक और शर्म निकल चुकी थी, जो उसकी सबसे बड़ी कमाई थी। और मनोज धीरे धीरे सफल होने लगा। आज मनोज विवाहित है, उसने एक अनाथ लड़की से शादी किया ताकि किसी को सहारा मिल सके। आज वह अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश है। ये बिल्कुल सच्ची कहानी है। मनोज जो एक अनपढ़ और अपाहिज व्यक्ति इतना कर सकता है,
तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। दूसरों की कंपनी में बड़ा नौकर बनने से कहीं बेहतर है अपने छोटे काम का स्वयं मालिक बनना।